हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 14वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है, यानी आपको लैंगिक जो भेदभाव कक्षा या शिक्षा व्यवस्था में होता है उसको दूर करने के लिए एक आवश्यक उपाय बताना है। पहला ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। तीसरा ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव जो होता है शिक्षा से अगर हमें दूर करना है तो छात्र हो या छात्रा, हमें दोनों के लिए समान नियम या कानून लागू करने होंगे। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसके अंतर्गत सही होगा, छात्र छात्राओं के लिए समान रूप से प्रावधान। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि का स्वरूप होगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने औसत से कम, दूसरा है औसतन, तीसरा है औसत से अधिक या कह नहीं सकते। तो जो आपका एक सृजनशील छात्र होता है वह प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी से ऊपर होता है तो वह आपका औसत से अधिक होगा। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। पहला अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, दूसरा है मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है 10 तक के पहाड़ों को मौजवानी याद कर लेना, फोर्थ है माध्यमिक शिक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कोई अगर पूर्व माध्यमिक छात्र बच्चा है तो कौन सी क्रिया इनमें से उसके लिए कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। तो बच्चा किसी चीज को खोलकर उसको दोबारा मतलब बनाने का प्रयास करता है या तोड़कर उसको दोबारा से जोड़ने का प्रयास करता है तो आपकी चीज कार्यात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है कि मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, यानी वह मनोवैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने अंतःक्रियाओं को बच्चों के विकास का मूल आधार माना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने लॉरेंस कॉलबर्ग, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन प्याजे, फोर्थ है आपका स्किनर। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो लेव वाइगोत्स्की हैं वह मानते हैं कि जो इंट्रैक्शन होते हैं बच्चों के वह विकास में या अंतःक्रियाएं जो होती हैं वह विकास के मूल आधार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। पहला ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, दूसरा ऑप्शन है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, तीसरा ऑप्शन है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो जब आप किसी बच्चे को समाजीकरण की प्रक्रिया में यानी उसकी सामाजिकरण प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आपके सामने उसको हम क्या करेंगे कि स्कूल में जो भी परंपराएं होती हैं उससे भी परिचित करवाएंगे, आदर्श में जो बालक समाज में रहता है तो वह समाज में कुछ ऐसा करे जिससे कि उसका एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाए यह भी, और बालकों को समाज में प्रचलित जो मान्यता है उनके विषय में हम जानकारी देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये सभी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे।
रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। दूसरा, रजनी ज्यादा काम करने लगी है। फोर्थ है आपका, रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। तो आपकी जो लंबाई चौड़ाई या फिर आपके शरीर के जो भी अंग होते हैं, अगर उनमें कोई विकास होता है तो आपकी वृद्धि कहलाती है। तो इसमें जो रजनी है उसकी तेजी से वृद्धि तेजी से हो रही है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, यानी एक बच्चा जो होता है उसकी जो विकास की प्रक्रिया आपकी कब से प्रारंभ होती है। ऑप्शन है आपका 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या फिर आपके सामने ऑप्शन है फोर्थ, माँ के गर्भ से ही। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी उसका जब गर्भाधान होता है, उसी समय से उस बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया होती है वह शुरू हो जाती है। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है। पहला ऑप्शन है आपका सामने शैशवाकाल, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा है युवा प्रौढ़ावस्था, और तीसरा है आपके सामने वृद्ध प्रौढ़ावस्था। यानी जो विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है वह आपकी किशोरावस्था होती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। एक असामाजिक व्यवहार है किसी बच्चे का, तो उसको सुधारने के लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें यह बताना है कि हमें उसमें से क्या नहीं करना है। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो हमें बच्चे के साथ असामाजिक व्यवहार है उसको सुधारने के लिए करने होंगे। पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहें, तीसरा विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, तीसरा ऑप्शन है उसको परामर्शदाता के पास भेजना, फोर्थ है उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो आपके ऑप्शन जो 3 और 2nd, 3rd, 4th जो आपके ऑप्शन है, यह हम सामाजिक जो व्यवहार है उसको बढ़ाने के लिए या सुधारने के लिए कार्य करेंगे। आपको पूछा था जो असामाजिक व्यवहार है उसको सुधारने में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसा कोई संदेश बच्चों को नहीं देना चाहिए, या फिर हम उससे दूसरे विद्यार्थियों से कहें कि इस बच्चे से बात मत करो या इसके साथ मत रहो, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ न रहें। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित होता है। पहला है वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का, या समस्या का। यानी कोई बच्चा है किसी समस्या को अपने आप स्वयं हल करने लग जाता है तो वह किस प्रकार का गुण विकसित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन पहला उत्तर सही होगा, वैज्ञानिक अन्वेषक का उसमें जो गुण है वह उसमें विकसित हो रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 11th, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, फोर्थ है आपका संगीत की आवश्यकता। तो आपको इसमें से यह देखना था कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आपका जो पहला, दूसरा और आपका फोर्थ जो ऑप्शन है, यह आपके तीनों ही सामाजिक मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता से संबंधित होते हैं। इसमें आपका जो 3rd ऑप्शन है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसमें आपका कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3rd इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। यानी शिक्षक से संबंधित एक कारक जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है वह बताना है हमें। विषय का ज्ञान, दूसरा है मनोविज्ञान का ज्ञान, फोर्थ है, 3rd है आपका व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, और फोर्थ है आपका अनुशासनहीनता। तो जो अनुशासनहीनता होती है वह शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक आपका नहीं होता है, यानी 4th ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य का पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है मध्य अभिप्रेरणा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरी है बाह्य अभिप्रेरणा, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जब कोई बच्चा अधिगम कर रहा है और उसके मतलब स्वयं ही अधिगम पर अधिकार प्राप्त करते हुए उसमें तनाव उत्पन्न हो रहा है तो आपकी यह आंतरिक प्रेरणा होती है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 14th है,
निम्न में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है कॉलर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है आपके सामने थंडाइक और फोर्थ है आपके सामने ऑप्शन वुडबर्थ। तो आपसे यह पूछा गया कि किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि अभिप्रेरण में जो अवधिगम के बीच जो संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। तो यह आपके जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे वो आपके बी एफ स्किनर ने यह कहा है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। और आपके जो बी एफ स्किनर है वो ये मानते हैं कि अधिगम एवं जो अवप्रेरणा होती है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन या इच्छित वस्तु का निर्माण होता है, निम्न में से किसका कथन है? यानी यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि जो सृजनात्मकता होती है वह किसी नवीन या इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेरेन का, दूसरा है डंडेकर का, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने जीन प्याजे का और फोर्थ ऑप्शन है आपका बी एस प्लूम का। तो यह कथन आपका डंडेकर द्वारा कहा गया है कि जो सृजनात्मकता होती है वह किसी नवीन वस्तु या कोई मान लो कि हमें किसी वस्तु की इच्छा हो रही है अगर उसमें उसका निर्माण कर दें यही उसकी सृजनात्मकता है। यह कथन आपका डंडेकर द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? पहला, उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, दूसरा उसे अधिक गृह कार्य देंगे, तीसरा उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वह दोबारा गुस्सा ना करे। नेक्स्ट आपके सामने कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा कि आप एक कक्षा में शांत एवं वातावरण का माहौल बनाएंगे जिसमें आपके सभी छात्र खुद को वहां पर महफूज महसूस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? पहला, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, दूसरा कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भाव को पैदा करना, तीसरा है अनुसूचित जाति के बालकों को नीची जाति का समझना, तीसरा ऑप्शन है अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना। तो जो आपके तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं ये आपके एक शिक्षित में निहित गुण नहीं होते कि किसी बच्चे को उसके जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करना या उसके किसी बच्चे को अनुसूचित जाति के बच्चे को नीची जाति का समझना या फिर कोई शिक्षक है जो अपनी जो पढ़ाने वाली विधि है जो अधिगम कराने वाली विधि है उसमें कोई बदलाव नहीं करता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, ऑप्शन फर्स्ट एक आदर्श शिक्षक का गुण है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता क्यों है? पहला ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है इसलिए, दूसरा क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है इससे छात्रों की सुविधा होती है इसलिए, तीसरा है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण किया जाता है इसलिए, या फोर्थ है इन सभी के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही होगा कि क्योंकि विद्यालय में आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है, वे सभी कौशल जो आपके अधिगम से संबंधित होते हैं उन सभी का आपका मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन पहला इसका उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं, आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है, इसका कारण हो सकता है पहला कक्षा में बैठने का क्रम, दूसरा वैयक्तिक भिन्नता, तीसरा विद्यालय आने जाने के उसके भिन्न साधन, या फोर्थ है उन इनमें से कोई नहीं। तो जो आप हम इसमें से कह सकते हैं कि जो अगर कोई बच्चा परिपक्व हो जाता है या कोई परिपक्व नहीं है तो यह इसका जो प्रमुख कारण होगा वो आपका व्यक्तिगत भिन्नता जो होगी इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं वही होते हैं, पहला दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है, चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। आपको हमें ध्यान रखना है कि चिंतन की विशेषता नहीं है, उसको छांटना है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। दूसरा है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, और चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो आपको इसमें से विशेषता नहीं है कि चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। जब कोई समस्या ही नहीं होगी तो चिंतन किस बात का किया जाएगा? तो आपका थर्ड ऑप्शन इसके लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीन प्याजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? यानी वह कौन सी आयु होती है जिस समय तक या जिस आयु तक बच्चे में तार्किकता की भावना का विकास नहीं हो पाता है? पहला ऑप्शन है 7 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। तो जीन प्याजे के अनुसार जो 7 वर्ष की अवस्था होती है उस अवस्था तक बच्चे में तार्किकता की भावना का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने रोना, दूसरा आकलन, हाव भाव या बड़बड़ाना। तो जो आकलन है वह आपका भाषा विकास का कोई प्रारंभिक रूप नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ, दूसरा आपका लघुत्तरीय या तीसरा अतिलघुत्तरीय या निबंधात्मक। यानी चयन प्रकार के जो सभी प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको चयन करके उत्तर को छांटना होता है, या आपके बहुविकल्प जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, आपका ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र है किस प्रकार का, वह छात्र है आपको क्या विचार है उसके बारे में? तो ऑप्शन है आपके सामने मंद बुद्धि का है, वह बुद्धिमान है, या अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, या मूर्ख है। तो आपका ऑप्शन बी या दूसरा ऑप्शन सही होगा के बुद्धिमान है। यानी जो आपकी बुद्धि होती है वो भी एक समायोजन करने की क्षमता होती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? यानी वो कौन सी शिक्षा पद्धति है जिसके अंतर्गत आपका प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने वैदिक शिक्षा, और नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सामान्य शिक्षा। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है वह आपकी प्रगतिशील शिक्षा में किया जाता है, और जो आपकी प्रोजेक्ट प्रणाली थी या प्रोजेक्ट मेथड जो है वह आपका जॉन डीवी द्वारा दिया गया है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सृजनशील बालक का गुण नहीं है, यानी आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा गुण जो होता है वह सृजनशील छात्र का नहीं होता। पहला ऑप्शन है विचारों में स्वतंत्रता, दूसरा है किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, तीसरा दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, और फोर्थ है नवीनता तथा जटिलताओं में अभिरुचि। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। तो जब अगर कोई बच्चा दमन करेगा तो वह किसी भी प्रकार से सृजनशील गुण बालक का गुण नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। यानी वह तो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपका सृजनशील बालक कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बाल केंद्र शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो बालक के या बाल केंद्र शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है निर्माण का सिद्धांत, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, या फोर्थ है आपका अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जिसमें आपका अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत वह आपका बाल केंद्र शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करता है। पहला ऑप्शन है
डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है अप्रेक्सिया, तीसरा है अफेजिया, फोर्थ है आपका डिसग्राफिया, यानी कोई बालक किस बीमारी से पीड़ित है जिसमें वह पठन यानी पढ़ने की क्षमता या जो होती है उसमें अवरुद्ध प्रकट होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है पहला डिसलेक्सिया, दूसरा है अप्रेक्सिया, तीसरा है अफेजिया और फोर्थ है आपके सामने डिस्प्रेक्सिया। तो आपका जो डिसलेक्सिया पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। जो डिसलेक्सिया से जो पीड़ित बच्चे जो होते हैं वह आपकी पढ़ने में अक्षम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। प्याजे के अनुसार बालक की किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है, यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें वह शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार के बारे में जानने का प्रयास करता है या उसे खोजने का प्रयास करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है आपके सामने पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नेक्स्ट है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चा है, अगर बच्चा अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार की खोज करता है तो वह जीन प्याजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था का बच्चा है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न, कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है, यानी कक्षा में अगर हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं यानी किसी अध्याय को हम शुरुआत करने से पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो वह किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। ऑप्शन पहला है दृश्य से अदृश्य की ओर, नेक्स्ट है आपके सामने आसान से कठिन की ओर, नेक्स्ट है आपके सामने ज्ञात से अज्ञात की ओर और लास्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यह जो आपका प्रस्तावना कौशल होता है यह आपका ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है। इस सूत्र के अंतर्गत बच्चों को हम यह जानकारी देते हैं कि मतलब पहले से उनको क्या आता है। तो आपका ऑप्शन ज्ञात से अज्ञात तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। तो यह था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको यह हमारा वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।